वाराणसी में गंगा पार यूपी का पहला टेंट सिटी बसाया जा रहा है। पीएम के क्षेत्र में इस टेंट सिटी में पर्यटक 5-स्टार होटल जैसी लग्जरी सुविधाएं ले सकेंगे। टेंट सिटी में रहने के लिए पर्यटकों को 8,000 रुपए से लेकर 51,000 रुपए तक खर्च करना होगा। इसके लिए टेंट सिटी में अलग अलग विला बनाए जा रहे हैं। टेंट सिटी में रुकने के लिए पर्यटक ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन बोर्ड में भी बुकिंग करा सकते हैं। इसके लिए tentcityvaranasi.com के नाम से वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 15 जनवरी से लोग इस टेंट सिटी में रह सकेंगे। इसके लिए फिलहाल ऑनलाइन मोड में बुकिंग शुरू हो गई है। जल्द ही वाराणसी के रविदास घाट और नमो घाट पर भी इसके लिए काउंटर बनाए जाएंगे, जहां से पर्यटक टेंट सिटी में बुकिंग करा सकेंगे। आपको बता दें, किसी लग्जरी होटल से कम नहीं होगी टेंट सिटी में व्यवस्थाएं। वॉच टावर से काशी के अर्धचंद्राकार घाटों का मिलेगा एरियल व्यू। सूर्य के उत्तरायण होते ही यानी 15 जनवरी से काशी के पूर्वी तट गंगा पार रेत पर तंबुओं का शहर बसा दिया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार काशी में गंगा के उस पार तंबुओं का शहर बसा रही है। गंगा वॉच टावर से गंगा और घाटों का एरियल व्यू देख सकेंगे पर्यटक। इसके अलावा गेमिंग जोन, रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस स्थल, स्पा, योगा केंद्र, लाइब्रेरी, आर्ट गैलरी, वाटर स्पोर्ट्स, कैमल हॉर्स राइडिंग और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां भी यहां आयोजित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काशी में गंगा के उस पार तंबुओं का ये शहर बसा रही है, जिससे काशी और आसपास के पर्यटन को बढ़ावा मिले। लगभग 30 हेक्टेयर में टेंट सिटी आकार ले रहा है। अर्धचंद्राकार 84 घाटों का नजारा दिन के साथ ही रात में लाइटिंग के साथ अद्भुत लगेगा। घाटों की गंगा आरती और गंगा में पड़ने वाले दीपों की रोशनी का प्रतिबिंब टिमटिमाते तारों समान लगता है। ऐसे में कलकल बहती गंगा किनारे तंबुओं के घर और टेंट सिटी की थीमेटिक सजावट भी की जा रही है। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल ने बताया कि 10 हेक्टेयर प्रति क्लस्टर स्थापित किए जाने वाले टेंट की संख्या 200 है। टेंट के 3 क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। इसमें 10% विला 900 वर्ग फीट, 50% सुपर डिलक्स 480 से लेकर 580 वर्ग फीट और 50% डिलक्स 250-400 वर्ग फीट शामिल हैं। टेंट सिटी के एक क्लस्टर में 200 व्यक्तियों के ठहरने की सुविधा के लिए स्विस कॉटेज, रिसेप्शन एरिया, गेमिंग जोन, रेस्टोरेंट, डाइनिंग एरिया, कॉन्फ्रेंस स्थल, स्पा, योगा केंद्र, लाइब्रेरी, आर्ट गैलरी के अतिरिक्त वाटर स्पोर्ट्स, कैमल हॉर्स राइडिंग तथा अन्य सांस्कृतिक और स्पोर्ट्स गतिविधियां होंगी। मेसर्स प्रावेक कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोलिना बराड़ा ने बताया कि टेंट सिटी में लगभग वो सभी सुविधाएं मिलेंगी जो एक अच्छे लग्जरियस होटल में मिलती हैं। यहाँ लग्जरी और सामान्य टेंट क्वार्टर्स के अलावा खास बनारसी खान पान भी होगा। इसके अलावा खास थीम पर लाइटिंग और डेकोरेशन भी होगी। ऐतिहासिक घाटों, गंगा और पूरे टेंट सिटी का नजारा देखने के लिए स्टेनलेस स्टील का 32 फीट ऊंचा गंगा वॉच टावर बनाया गया है, जहां से पर्यटक घाटों और गंगा का एरियल व्यू देख सकेंगे। टेंट सिटी तैयार हो रही है काशी में, और क्या क्या इसमें फैसिलिटीज मिलेगी और कब तक ये तैयार हो जाएगा? देखिए, टेंट सिटी का RFP वीडियो द्वारा मई जून में फ्लोट किया गया था, जिसके लिए 2 वेंडर्स हमने फाइनलाइज भी कर लिए हैं। इसमें टोटल 3 प्लॉट हैं, जिसमें 100 से 200 टेंट की क्षमता है। टोटल इसमें 3 प्लॉट्स हैं हमारे पास, तो 300 से 600 टेंट्स की क्षमता रहेगी, जिसको प्राइवेट वेंडर्स ही संचालित करेंगे। इसमें वीडियो द्वारा जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे बिजली की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था और सीवरेज, इन तीनों के कनेक्शंस वेंडर्स को दिए जा रहे हैं। लेकिन जो पूरा सेटअप है और संचालन, वो प्राइवेट वेंडर्स द्वारा PPP मोड में किया जा रहा है। जितने हमारे वेंडर्स से बात हुई है, तकरीबन 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के बीच में ये शुरू हो जाएगा। इसमें इस साल बहुत डिले हुआ है, क्योंकि गंगा जी का स्तर इस बार अनयूजली बहुत हाई था, लेकिन अब पानी का स्तर नीचे आ चुका है और पूरा काम फुल फ्लो में चल रहा है। सर, अगर बात की जाए तो कितनी लागत से टेंट सिटी बनाई जा रही है? इसमें जितना मैं डिस्क्लोज कर सकता हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से इसमें VDA ने जो इन्वेस्ट किया है, वो तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए है। प्राइवेट वेंडर्स जितना खर्चा कर रहे हैं, वो उनके ऊपर है, क्योंकि वो अपने टेंट कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, या जो फैसिलिटीज़ हैं जो प्रोवाइड करनी या नहीं करनी, वो भी उनके ऊपर निर्भर है। सर, बुकिंग की बात करें तो कब से बुकिंग शुरुआत होनी है? कोई वेबसाइट वगैरह भी लॉन्च किया गया है क्या निजी कंपनी की ओर से? जो निजी कंपनियाँ हैं, उनका ही ये दायित्व है कि वो किस तरह से, किस किस प्लेटफॉर्म पे और कब से बुकिंग कराना शुरू करना चाहते हैं और किस रेट पर करना चाहते हैं। इसमें VDA का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है।
बाकी मैं बताना चाहूँगा कि जितना हमें पता है वेबसाइट शायद लॉन्च की गई है निजी कंपनियों द्वारा, और शायद वो थर्ड पार्टी जो वेंडर्स होते हैं उनको भी वो लोग एंगेज करेंगे, लेकिन जो भी इसमें कार्रवाई की जानी है वो प्राइवेट कंपनीज की तरफ से की जानी है। सर अगर बात की जाए तो कुछ उसमें टेंट सिटी में कुछ द्वारा अगर काशी की झलक भी दिखी है क्या? ये मैंने जैसे आपको वापस बताया ट्रिपल पी मोड पर है ये, जिसमें वीडियो द्वारा लैंड और बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। उसमें क्या क्या और फैसिलिटीज़ की जाएंगी, कब से की जाएंगी, ये सभी चीज़ें प्राइवेट वेंडर्स पर डिपेंड करती हैं। वाराणसी से सुजीत पटेल की रिपोर्ट।